हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। 26 जून 2019 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। तो देखते हैं आज की हमारी न्यूज़। पहली जो न्यूज़ है यहाँ पे वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन को लेके। तो क्या है ये मिशन, इसका मोटो भी हम देख लेते हैं। एक सेकंड रुको, पेन को थोड़ा थिकनेस वगैरह वो सही कर लेते हैं। एक सेकेंड, अब सही रहेगा। इसमें देखो, ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन है ना, ये इसलिए लाया गया है ताकि हमारे देश के अंदर जो लोकल एरिया है, हम बात करें जो रूरल एरिया है ना, उसका डेवलपमेंट किया जाए। कौन से टाइप का डेवलपमेंट? हर तरह का। चाहे बात को सोशल और मेनली फोकस किया गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्योंकि देखो, किसी भी एरिया में अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं तो उस एरिया का अपने आप सोशल डेवलपमेंट भी होता है और भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होता है। इस तरह के कार्य वहाँ पे किए जाते हैं। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन का काम टारगेट क्या है? जैसे देखो, कुछ एग्जाम्पल देखें कि 24/7 है वो वाटर सप्लाई हर घर तक सुनिश्चित की जाएगी। इसी के साथ यहाँ पे दिया गया कि जो वाटर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है इसके ऊपर फोकस किया जाएगा। इसी के साथ ही ट्रांसपोर्ट की जो सुरक्षा है या ट्रांसपोर्ट सर्विस है, इसको सिक्योर करने के लिए फोकस किया जाएगा। जगह जगह पे जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स की जरूरत है उन पे फोकस है वो किया जाएगा। मतलब जो बेसिक बुनियादी सुविधाएं हो गई हैं, इन सब का विस्तार किया जाएगा और इन एरियो की तरफ वहाँ पे फोकस किया जाएगा कि भाई हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड है वो करवाई जा सके। तो कुछ इस तरीके के टारगेट इसके यहाँ पे रखे गए हैं। इसी के साथ ही देखो, अब इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन है, इसमें फंडिंग की बात करें तो देखो, इसमें फंडिंग है ना, 70% जो फंडिंग है ना वो तो आएगी गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट कैसे देगी? 70% जो फंडिंग होगी उसमें से, जैसे कि आपको पता है कि जो नॉर्मल स्टेट हैं उनमें से, उनमें तो ये हो जाएगा कि 60% है वो गवर्नमेंट देगी और 40% स्टेट वहन करेगा। और जो हिली एरिया या फिर जम्मू एंड कश्मीर जैसे स्टेट हैं उनमें क्या होगा, 90% है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% है वो स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करा जाएगी। तो ऐसे तो 70% है जो पैसा है वो कलेक्ट किया जाएगा। बाकी जो 30% जो पैसा है ना, वो लोकल जो रूरल एरिया में क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है इसके द्वारा क्रिटिकली गैप फंडिंग की हेल्प से इकट्ठा है वो किया जाएगा। तो ये आपको फिर ध्यान में रखना है कि 70% पैसा है वो तो स्टेट और सेंट्रल के द्वारा कलेक्ट किया, स्टेट और सेंट्रल प्रोवाइड करवाएगा और बाकी 30% जो पैसा है वो क्रिटिकली गैप फंडिंग का एक मेथड है, उसके द्वारा इस पैसे को क्रिएट किया जाएगा और रूरल एरिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सुनिश्चित किया जाएगा। इसी के साथ ही रूरल एरिया में जो ग्रोथ है उसको सिक्योर करने के लिए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन सब की तरफ फोकस किया जाएगा। मतलब कि सब लोगों को सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, या फिर इसी के साथ हम बात करें और सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है यहाँ पे वो है बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 को लेके। देखो, बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 है क्या? हमारे देश की जो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 है, इसका यह प्रावधान है कि भाई जो पेट्रोल है ना, इसमें 20% एथेनॉल है उसको कम से कम मिक्स किया जाए। यानी कि जैसे मान लो कि 1 लीटर पेट्रोल है तो उसमें 20% तो कम से कम एथेनॉल है वो होना चाहिए। इसी के साथ ही अगर हम बात करें डीजल को लेके, तो डीजल को लेके ये पॉलिसी आई है कि जो बायो डीजल है, जो कि आपको पता है जेट्रोफा जो एक प्लांट होता है, जेट्रोफा, उसके द्वारा बायो डीजल का निर्माण किया जाता है। तो जो नॉर्मल डीजल होता है उसमें जेट्रोफा डीजल को मिलाया जाएगा एटलीस्ट कम से कम 5%। यानी ये ध्यान रखना है कि पेट्रोल में तो 20% एथेनॉल की मिक्सिंग करनी है और जो नॉर्मल डीजल है अपना उसमें 5% बायो जो डीजल है इसकी मिक्सिंग को सुनिश्चित करना है। ये ऑल ओवर इंडिया में करना है। कब तक? 2030 तक। मतलब ये टारगेट हमें अचीव करने हैं 2030 तक। ये मेनली मेन पॉलिसी का टारगेट है। यूपीएससी की बार पूछ लेती है कि बायोफ्यूल पॉलिसी का मोटो क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि 2030 तक हमें ये टारगेट अचीव करने हैं। अब दिमाग में आती है बायोफ्यूल क्या होती हैं। बायोफ्यूल मतलब ये होते हैं कि जो हमारे खाने पीने की चीज़ें होती हैं या फिर जो फसलों का वेस्ट होता है उसके द्वारा जो फ्यूल प्रोड्यूस किया जाता है वो होता है बायोफ्यूल। देखो, बायोफ्यूल को मैंने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है फर्स्ट जनरेशन, एक सेकेंड जनरेशन और एक थर्ड जनरेशन का। जो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल है ना, इसको बायोएथेनॉल के नाम से भी जानते हैं या फिर इसको बायोडीजल भी। ये किससे प्रोड्यूस किया जाता है? ये देखो, जो डायरेक्टली फसल होती है जैसे कि जौ हुआ, बाजरा हुआ, मक्का हुआ, गेहूं हुआ, धान, मतलब इन फसलों से डायरेक्टली बायो एथेनॉल का निर्माण है वो किया जाता है। अब देखो, इसकी प्रॉब्लम क्या है? इसकी प्रॉब्लम ये है कि आपको पता है कि जो गेहूं जैसे, ये तो खाने की चीज़ें हैं, मतलब खाने का अनाज है। अगर इन्हीं से ये चीज़ें प्रोड्यूस की जाने लगी तो इनका डिमांड बढ़ जाएगी और अगर डिमांड बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं महंगाई भी बढ़ सकती है, जिससे जो आम लोग हैं उन तक इन चीज़ों की पहुँच वो महंगी हो जाएगी। तो इसके लिए ऑप सोल्यूशन लिया गया सेकेंड जनरेशन प्रोग, मतलब सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल, उसको हम बेसिकली एथेनॉल के नाम से जानते हैं। एथेनॉल क्या होता है? एल्कोहल का ही एक फॉर्म है वो होता है। अब इसमें एथेनॉल किससे प्रोड्यूस किया जाता है? ये एथेनॉल प्रोड्यूस किया जाता है फसलों का जो वेस्ट है।
जो फसल रेसिड्यूज वगैरह होते हैं या फिर हम जैसे कोई भी फ्रूट्स वगैरह खाते हैं तो उनके छिलके हुए, तो इस तरह का जो वेस्ट हुआ इस वेस्ट के द्वारा एथेनॉल को प्रोड्यूस किया जाता है। मतलब जो हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते उस जो वेस्ट बच जाता है, फसलों का वेस्ट मान लो या फिर जो और खाने पीने की और भी चीज़ें हैं उनका वेस्ट हो गया है, उस कचरे के द्वारा एथेनॉल का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद में आता है थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल। जो थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल है इसको बायो सीएनजी के नाम से भी मेनली जाना जाता है। ये कहाँ से प्रोड्यूस होगा? ये देखो जो समुद्र में शैवाल वगैरह है ना, इनके द्वारा इसको एल्गी है, इनके द्वारा इसको पैदा है या उत्पन्न है वो किया जाएगा। तो ये तीन तरह के बायोफ्यूल का हमें पता होना चाहिए कि फसलों से डायरेक्टली है वो फर्स्ट जनरेशन का प्रोड्यूस किया जाता है, जो फसल वेस्ट होता है उसे सेकेंड जनरेशन, और जो एडवांस टेक्निक कौन सी होगी जैसे काई हो गई, शैवाल हो गया, इनके द्वारा थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल को प्रोड्यूस किया जाता है। अब हम बात करें इसके फायदे क्या हैं। देखो इसके फायदे काफी सारे हैं किसानों को। जैसे एक तो किसानों की इनकम भी बढ़ेगी, क्योंकि अगर फसलों का वेस्ट है अगर उससे बायो इथेनॉल प्रोड्यूस किया जा रहा है तो उसका मतलब किसानों को उसके अच्छे खासे पैसे मिलेंगे और किसान उसको जानबूझ के बेचेंगे भी। इसी के साथ ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है ऑब्वियसली, क्योंकि अच्छा वो जो ऑयल है वो प्रोड्यूस होगा और हमारे देश में जो ऑयल की निर्भरता है वो बढ़ेगी। मतलब हमारा देश का ऑयल है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, हमें बाहर से ऑयल है वो कम एक तरीके से इम्पोर्ट है वो करना होगा। इसी के साथ अगर नई रिफाइनरी लगेंगी तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो इस तरह के काफी सारे बेनिफिट हैं, वो एप्लीकेशंस हो सकते हैं। अब हम बात करें फंडिंग की। देखो जो बायोफ्यूल के लिए जो रिफाइनरी वगैरह लगाई जाती हैं ये क्या होती हैं, काफ़ी महंगी होती हैं स्टार्टिंग में। तो गवर्नमेंट पूरा पैसा भी खुद इन्वेस्ट नहीं कर सकती और ना ही कोई प्राइवेट सेक्टर एक साथ इतनी बड़ी मात्रा में पूंजी इन्वेस्ट कर सकता है। तो इसके लिए एक मेथड होता है जिसका नाम है वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम। जो ये वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम है ना, ये मेनली आई थी 2004-5 के टाइम पे, और इसका मोटो ये रखा गया था वायबिलिटी गेट फंडिंग स्कीम का कि भाई जैसे जो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं काफ़ी लंबे जिनमें मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है उनकी इकोनॉमिकली, उन प्रोजेक्ट में क्या होगा, हर साल के ध्यान से सुनना, उन प्रोजेक्ट के लिए हर साल जो बजट आएगा उस बजट में कुछ ना कुछ पैसा दिया जाएगा फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। जैसे कि ये मान लो कि बायोफ्यूल पॉलिसी है, इसके लिए गवर्नमेंट प्लांट लगा रही है तो इसको फंडिंग दी जा रही है वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम के तहत। यानी कि गवर्नमेंट है वो इसके लिए हर साल कुछ ना कुछ पैसा देगी जो टाइम पीरियड फिक्स है। जैसे कि अभी ये टाइम पीरियड फिक्स था कि भाई सेकेंड जनरेशन जो बायोफ्यूल रिफाइनरी है ना, इनके लिए गवर्नमेंट आगे आने वाले 6 साल में 5,000 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करेगी। तो मतलब हर साल 6 साल का जो बजट होगा, इस बजट में 5,000 करोड़ रुपये टोटल गवर्नमेंट को देने हैं। अब हो सकता है कि वो एक साल 1,000 करोड़ दे दे, दूसरे साल 500 करोड़ दे दे, तीसरे साल 2,000 करोड़ दे दे, कैसे भी वो गवर्नमेंट दे सकती है बजट में। ये होता है वायबिलिटी गैप फंडिंग का। मतलब इसमें गवर्नमेंट है वो थोड़ा पैसा देती है स्टार्टिंग के लिए, बाद में धीरे धीरे पैसा है वो बाहर से कलेक्ट करना होता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है एशियाटिक लॉयन को लेके। देखो एशियाटिक लॉयन है वो आपको पता है सिर्फ और सिर्फ एशिया के, ये हम बात करें इंडिया के केवल गुजरात के गिर वाले एरिया में ही पाए जाते हैं। वैसे तो पहले ये टर्की वाले एरिया में, हम बात करें जो अरब कंट्रीज है वहाँ पे भी पाए जाते थे, बट अब उन एरियों में लुप्त हो चुके हैं। और जो एशियाटिक लॉयन है ये मेनली जो अफ्रीकन लॉयन होते हैं इनसे छोटे होते हैं साइज में। इंडिया में अगर इनकी हैबिटेट की आवास की बात करें तो मेनली दो हैं, एक तो है गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गिर नेशनल पार्क, और इसी के साथ ही गिरनार का एरिया या पेना सेंचुरी है वहाँ पे। मतलब हम बात करें तो केवल और गुजरात के जो गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया है उसी एरिया के अंदर मेनली ये पाए जाते हैं। अब इनकी टोटल संख्या इंडिया में है वो है 523। इंडिया के अलावा एशियाटिक लॉयन कहीं भी नहीं पाए जाते हैं। अभी कंटेक्स्ट ये था कि गुजरात का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने एक स्टेप ये उठाने की बात कही है कि भाई जो एशियाटिक लॉयन है ना इनके ऊपर एक रेडियो कोल्डिंग की जाएगी। मतलब इनके गले में एक तरह का पट्टा सा लगाया जाएगा जो कि रेडियो कोल्डिंग का काम करेगा। यानी कि इसकी वजह से जो ये रेडियो कोल्डिंग होगी इसमें क्या होगा कि सिग्नल प्रोड्यूस करेगा, तो उसके हेल्प से जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो ट्रैक कर सकता है कि भाई लॉयन है वो कहाँ पर मूव कर रहा है वगैरह वगैरह। तो इनकी सिक्योरिटी भी सुनिश्चित की जाएगी, अगर कोई मूवमेंट नहीं होगा तो गवर्नमेंट उनको चेक भी कर सकती है। तो मतलब इनकी प्रोटेक्शन के लिए जो रेडियो कोल्डिंग का कॉन्सेप्ट है वो लाया गया है गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। इंपॉर्टेंट यहाँ पे है इसका जो एशियाटिक लॉयन की कंजर्वेशन स्टेटस क्या है। इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है इसके इसे शेड्यूल फर्स्ट में रखा गया है। इसी के साथ ही IUCN की से इंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल किया गया है। और हम बात करें साइट्स जो कि कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज को लेके हैं, इसकी अपेंडिक्स फर्स्ट में इसको प्रोटेक्शन दी गई है। मतलब इसको हाई प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड करवाई है। तो ये कुछ फैक्ट ध्यान में रखने हैं। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। एक सेकेंड, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS। CMS यानी कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। थोड़ा
थोड़ा नाम से पता चल रहा है कि भाई कंप्लेन है, इनको सोल्व करने के लिए इनके मैनेजमेंट के लिए एक सिस्टम लाया गया है आरबीआई के द्वारा। तो पहली बात तो ये कि एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, होगा क्या इसमें हमारी जो भी कुछ क्वेरीज होगी, चाहे बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड हो या फिर हम बात करें नॉन बैंकिंग सेक्टर, ये ध्यान रखना है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और बैंकिंग इंस्टीट्यूट, चाहे कॉर्पोरेट बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक हो, किसी भी बैंक की कोई भी कंप्लेन है वो हम इस पोर्टल या सॉफ्टवेयर के थ्रू मतलब आरबीआई को रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके बाद में आरबीआई उसके खिलाफ उचित एक्शन है जो रेडरेशन मैकेनिज्म है ग्रेवांस की, उसके तहत प्रोसेस स्टार्ट करके हमें उचित सोल्यूशन है वो प्रोवाइड करवाएगी। तो ये था सीएमएस सिस्टम। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है आईओसी, आईओसी का मतलब है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है क्या, देखो ये देखते हैं। जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है ना, यह एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिपेंडेंट काम करता है और इसको बनाया गया था 1894 में। देखो 1894 में इसे इसलिए बनाया गया था क्योंकि उस दौरान ये थी कि भाई 1896 यानी कि आगे आने वाले 2 सालों में पहली बार ओलंपिक आयोजन करना था। तो अगर ओलंपिक आयोजन करना था कोई ना कोई तो बॉडी होनी चाहिए ना, ताकि उसके खिलाफ मतलब उसके सॉरी उसको रेगुलेट कर सके, उसके लिए गाइडलाइंस वगैरह डिसाइड कर सके। और इसीलिए 1894 में जल्दी में इस बॉडी का निर्माण है वो किया गया था। यह बेसिकली क्या करती है, जो ओलंपिक गेम्स वगैरह होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, इनको लेके इनको रेगुलेट है वो करती है, गाइडलाइंस हो रूल रेगुलेशन वगैरह हो वो इस आईओसी के द्वारा बनाए जाते हैं। आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। न्यूज में अभी इसलिए है कि इसका नया जो हेडक्वार्टर है वो अभी स्विट्जरलैंड में बनाया जा रहा है, 125 साल कंप्लीट हो गए इसको और इसलिए इसका जो नया हेडक्वार्टर है वो भी स्विट्जरलैंड में बनाया जा रहा है। तो उसको लेकर फंडिंग को न्यूज आई थी, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि भाई इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है क्या। लास्ट जो हमारा न्यूज आर्टिकल है वो है जल ही जीवन है। देखो यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम ही है स्कीम है, क्या यह स्कीम वो देखते हैं। यह स्कीम वो नॉर्थ हरियाणा की है, ये ध्यान रखना, नॉर्थ हरियाणा में इस स्कीम को स्टार्ट किया गया है। ये क्रॉप डाइवर्जेशन स्कीम है, यानी जो क्रॉप फसल होती हैं इनको डाइवर्सिफिकेशन के लिए स्कीम लाई गई है। इसका मोटो क्या है, देखो इस स्कीम का मोटो ये है कि जो आपको पता है कि मतलब पंजाब हुआ और पंजाब और इसी के साथ ही हरियाणा का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है, इस एरिया में पेडी या बात करें धान की खेती की जाती है, और आपको पता है चावल या धान की खेती के लिए पानी की बहुत ज़रूरत होती है। तो आपको पता है ऑलरेडी इंडिया में पानी की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, मतलब एक तरीके से हमारे देश में काफ़ी सारे ऐसे एरिया हो गए हैं जहाँ पे पानी एक तरीके से ख़त्म सा होता जा रहा है। तो गवर्नमेंट का ये टारगेट था कि भाई जिन एरियों में पानी की ऑलरेडी कमी है ना, वहाँ पे ऐसी फसलें ना बोई जाएं जो ज़्यादा पानी कंज्यूम करती हो, यानी कि जिन एरियों में पानी की भी किल्लत बढ़ने वाली है वहाँ पे ऐसी फसल बोई जाएं जो कम पानी का यूज़ है वो करती हो। और इसीलिए जल ही जीवन स्कीम लाई गई है। इसका ये प्रावधान है कि भाई जो पेडी की फसल या जो चावल की फसल है ना, इसकी जगह या तो मक्के की फसल या फिर जो अरहर दाल है उसकी फसल या फिर सोयाबीन की फसल है वो बोई जाएगी, ताकि जो पानी की डिमांड है या जो पानी का कंजप्शन है वो उसको रेगुलेट किया जा सके। इससे हम बात करें तो लगभग 50,000 हेक्टर एरिया को बेनिफिट मिलने वाला है हरियाणा में अकेले में। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है वाटर कंजर्वेशन के लिए, इस काम यूज है वो ऐसे राइटिंग में कर सकते हैं। तो देखो ये थी आज की हमारी न्यूज़, तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।